विदर्भ रीजन मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन नागपुर द्वारा 19 जून के दिन प्रेस वार्ता आयोजित कर वजलवा ड्राइविंग स्कूल पर झूठी खबरें फैलाने का गंभीर आरोप लगाया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वजलवा ड्राइविंग स्कूल द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब वाहन चलाने के लिए आवश्यक लर्निंग तथा परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अब वजलवा ड्राइविंग स्कूल ही नए लाइसेंस जारी करेगा। ऐसी खबरों की वजह से बाकी ड्राइविंग स्कूलों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नागपुर शहर के साथ साथ महाराष्ट्र में जो डीटीसी के बारे में बताया जा रहा है, इस बारे में जो भी न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ सरासर झूठी अफवाहें फैलाने वाली है। इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि डीटीसी जो है, डीटीसी में स्किल डेवलप किया जा सकता है, वहाँ पर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लाइसेंस के लिए आरटीओ में ही जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ महाशय बदलवार साहब जैसे महाशय जो है वो फेक न्यूज़ देकर जनता को और सोसाइटी को, सरकार को गुमराह कर रही है। मैं सोपान ढोले, महाराष्ट्र राज्य ड्राइविंग स्कूल मालक संगठना का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब हमारी मांग ये है कि उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो न्यूज़ दी है, फेक न्यूज़ दी है, उस पर विभागीय कार्यवाही होनी चाहिए। ड्राइविंग स्कूल की तरफ से उन पर बैन आना चाहिए। कुछ जो भी नियम में होगा, नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सेतु कार्यालय में सीएससी सेंटर पे जो ड्राइवे डायरेक्ट लर्निंग लाइसेंस हो रहे हैं उसका भी मैं खंडन करता हूँ। उसके लिए आरटीओ में या ड्राइविंग स्कूल में ही जाना चाहिए, ताकि वहाँ से पढ़ाया जा सके, पढ़कर बच्चा वहाँ से बाहर आ सके और वो रास्ते पे कोई अपघात ना कर सके। 0% एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंट होने ही नहीं चाहिए। 0% एक्सीडेंट पॉलिसी पे हमारा संगठन काम कर रहा है। 2014 से 0% पॉलिसी पे, 0% एक्सीडेंट पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि लर्निंग लाइसेंस कोई भी प्रकार का हो, मोटरसाइकिल हो, फोर व्हीलर हो, स्कूटी हो, इन पर बगैर प्रशिक्षण के कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। हाँ, उस पर अगर आपको किसी को प्रश्न है कि ड्राइविंग स्कूल वाले पैसे ज़्यादा लेंगे, तो सरकार ने उस पर एक विशिष्ट निर्बंध लगाने चाहिए। हम ज़्यादा पैसे लेते नहीं, प्रशिक्षण देकर ही उसको वाजवी फीस में पढ़ाते हैं। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्यपाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।